मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार, हार लिया तो जीत। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या अनुभव। चीजें दोनों ही अच्छी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने दिल की कही हुई बातों को पूरे दिल से कीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास कीजिए। किसी के कुछ कहने से आप अपने फैसले मत बदलिए, क्योंकि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। लोग हमेशा उस रास्ते पर चलते हैं जो रास्ता आसान होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपके अंदर दुनिया जीतने की काबिलियत, अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है, लेकिन एक छोटी और कमजोर रस्सी से बंधा रहता है। वह चाहे तो उस रस्सी को एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन वह उसे नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से ही उसे पतली रस्सी से बांधा गया था। उस समय वह रस्सी को नहीं तोड़ पाया और उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और वह उसे कभी भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब वह हाथी बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है, उसके बावजूद भी अपनी गलत सोच, अपनी गलत धारणा की वजह से वह रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों, हम लोगों के साथ भी अक्सर यही होता है। छोटी छोटी परेशानियां से हम इतना टूट जाते हैं कि हम मन में यह सोच लेते हैं कि हमसे यह नहीं हो पाएगा। जब तक हमारे जीवन में सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि हम भूल जाते हैं ये परेशानियां केवल हमारे ही जीवन में नहीं आती, ये सभी के जीवन में आती हैं। कोई इताश होकर बिखर जाता है तो कोई उनके साथ मुकाबला करके निखर जाता है। मेरे दोस्त, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप दुनिया का हर एक जंग जीत सकते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हो तो यह आदत आपको एक दिन सफल बनाकर छोड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।